सो डियर स्टूडेंट्स, आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं रूल्स फॉर डिटरमाइनिंग स्टेबिलिटी ऑफ रेजोनेंस कंट्रीब्यूटिंग स्ट्रक्चर्स। तो आज के लेक्चर में हम बेसिकली क्या करने जा रहे हैं, हमारे पास अगर कहीं पे भी कुछ रेजोनेंस स्ट्रक्चर्स दी हुई होंगी 2, 3, 4, 5 और हमें उनका ऑर्डर बताना है कौन ज़्यादा कंट्रीब्यूट करेगा टूवर्ड स्टेबिलिटी, उनमें से स्टेबल कौन ज़्यादा है, तो उनका स्टेबिलिटी ऑर्डर निकालने के लिए हमें ये कंसेप्ट पढ़ना है। इसमें कुछ रूल्स हमें पढ़ने हैं। आफ्टर स्टडिंग दोज रूल्स वी कैन डिटरमाइन विच स्ट्रक्चर विल बी मोर स्टेबल और द ऑर्डर ऑफ स्टेबिलिटी ऑफ दोज स्ट्रक्चर्स। बेसिकली इस कंसेप्ट से कभी कभी एंट्रेंस में क्वेश्चन आते हैं, आप प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन देख सकते हो, वहां से इस टॉपिक को पढ़ने के बाद आप उन क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो। ना फर्स्ट रूल इज रूल नंबर फर्स्ट, स्ट्रक्चर्स विच कंटेन मैक्सिमम नंबर ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड्स आर मोर स्टेबल देन स्ट्रक्चर्स विच कंटेन लेस नंबर ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड्स। अगर आपको दो स्ट्रक्चर्स दी हुई है, एक में कोवेलेंट बॉन्ड ज्यादा है, एक में कोवेलेंट बॉन्ड्स कम है, तो वो स्ट्रक्चर मोर स्टेबल होगी जिसमें कोवेलेंट बॉन्ड ज्यादा होंगे। फॉर एग्जाम्पल CH2 डबल सिंगल बॉन्ड CH, यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज देंगे, डबल बॉन्ड कोई पॉजिटिव चार्ज नहीं, CH2 डबल बॉन्ड CH, सिंगल बॉन्ड CH, डबल बॉन्ड CH2। अगर यहाँ पे हम नंबर ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड्स देखेंगे, दो हाइड्रोजन के साथ ये 3, ये 4, एक हाइड्रोजन के साथ 5, एक ये 6, एक हाइड्रोजन के साथ 7, दिस इज 8th, दिस इज 9th, 10th, 11th, इट कंटेन्स 11 कोवेलेंट बॉन्ड्स, 11 कोवेलेंट बॉन्ड्स। अगर थोड़ा खोल के देखेंगे आपको ज्यादा समझ में आएगा, दो हाइड्रोजन, उसके बाद डबल बॉन्ड, उसके बाद कार्बन हाइड्रोजन सिंगल बॉन्ड, कार्बन हाइड्रोजन डबल बॉन्ड, उसके बाद कार्बन हाइड्रोजन हाइड्रोजन। अब यू नो नंबर ऑफ बॉन्ड्स 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 11 कोवेलेंट बॉन्ड्स। अगर हम इसी स्ट्रक्चर का रेजोनेंस स्ट्रक्चर बनाएंगे, इस बॉन्ड को शिफ्ट करेंगे, इस बॉन्ड को शिफ्ट करेंगे, बेसिकली हमने यहाँ पे क्या किया, इलेक्ट्रॉन पेयर को शिफ्ट किया। जिस तरफ इलेक्ट्रॉन पेयर जाता है वहां पे नेगेटिव चार्ज आएगी, और जहां से इलेक्ट्रॉन पेयर जाता है वहां पे पॉजिटिव चार्ज। तो इस कार्बन पे CH2 पॉजिटिव चार्ज आएगी, सिंगल बॉन्ड CH, डबल बॉन्ड CH, सिंगल बॉन्ड CH2 नेगेटिव। अब इसमें चेक करेंगे नंबर ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड्स 2, 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 10 कोवेलेंट बॉन्ड्स। अब इन दोनों में से आपको बताना है, दिस इज स्ट्रक्चर फर्स्ट, दिस इज स्ट्रक्चर सेकंड, मोर स्टेबल कौन है, ज्यादा कंट्रीब्यूट कौन करेगा टुवर्ड स्टेबिलिटी या स्टेबिलिटी ऑर्डर क्या है। तो दैट स्ट्रक्चर विच कंटेन्स मैक्सिमम नंबर ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड्स इज मोर स्टेबल देन दैट विच कंटेन्स लेस नंबर ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड्स, यानी स्ट्रक्चर फर्स्ट इज मोर स्टेबल देन स्ट्रक्चर सेकंड। यहाँ पे आप चेक कर सकते हो ऐसे खोल के कितने कोवेलेंट बॉन्ड्स है, ये कार्बन है, इस कार्बन पे दो हाइड्रोजन है, फिर सिंगल बॉन्ड है कार्बन पे हाइड्रोजन, फिर डबल बॉन्ड है कार्बन पे हाइड्रोजन, फिर सिंगल बॉन्ड है कार्बन पे दो हाइड्रोजन, यहाँ पे नेगेटिव चार्ज, यहाँ पे पॉजिटिव। अब काउंट करो टोटल नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड्स, टोटल नंबर ऑफ बॉन्ड्स 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, यहाँ पे 10 ही कोवेलेंट बॉन्ड्स है, यहाँ पे 11 है, therefore this structure contributes more towards resonance compared to this structure। एक और रूल यहीं पे डिस्कस करेंगे, those structures in which there is no charge, that is neutral structures, they are more stable than those which contain charge। See, this structure is neutral structure, यहाँ पे कोई भी charge compound पे नहीं है, this structure is charged structure, यहाँ पे positive charge भी है, negative charge भी है। तो यहां से एक और रूल को ऐड भी करेंगे यहीं पे, अब उसको अलग नहीं लिखेंगे, न्यूट्रल स्ट्रक्चर्स आर मोर स्टेबल कंपेयर्ड टू दोज ऑफ चार्जेड स्ट्रक्चर्स, इसी को यहां से लिखेंगे, और न्यूट्रल स्ट्रक्चर्स आर मोर स्टेबल देन चार्जेड वंस। नाउ दिस इज रूल नंबर फर्स्ट, डिस्कस करते हैं रूल नंबर सेकंड को। हमने यहाँ पे डिस्कस किया रूल नंबर फर्स्ट, इससे हमें पता चला अगर हमारे पास कोई स्ट्रक्चर्स दी हुई होंगी तो उन स्ट्रक्चर्स में वो स्ट्रक्चर जिसमें ज्यादा कोवेलेंट बॉन्ड्स होंगे वो ज्यादा स्टेबल होगी कंपेयर टू द स्ट्रक्चर विच कंटेन्स लेस नंबर ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड्स। नाउ रूल नंबर सेकंड, रूल नंबर सेकंड क्या बेसिकली बताता है, आपके पास कुछ स्ट्रक्चर्स दी हुई है, वो स्ट्रक्चर्स जिनमें लेविस ऑक्टेट कंप्लीट होगा they are more stable compared to those जिनमें Lewis octet complete नहीं होगा। By Lewis octet I mean that octet rule follow होगा। Structures
in which octet rule is followed, in which all atoms, the maximum number of atoms, in which maximum number of atoms follow octet rule, follow Lewis octet rule क्या कहता है, जब भी कंपाउंड बनाता है कोई कोई एटम तो उसमें 8 इलेक्ट्रॉन्स वैलेंस शेल में होने चाहिए. फॉर एग्जांपल वी हैव CH2 सिंगल बॉन्ड C, सिंगल बॉन्ड O, सिंगल बॉन्ड H, यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज हम लेंगे. नाउ सी इस कंपाउंड को देखेंगे, यहाँ पे CH3. अब इस कंपाउंड की रेजोनेंस स्ट्रक्चर अगर हम बनाएंगे तो इसको इलेक्ट्रॉन्स की डेफिशिएंसी है, इन इलेक्ट्रॉन्स को हम शिफ्ट करेंगे टुवर्ड्स दिस कार्बन, क्योंकि हमने पहले ही पढ़ा था इलेक्ट्रॉन्स को हम डिस्प्लेस करते हैं फ्रॉम लोन पेयर टू पॉजिटिव चार्ज. नाउ सी यहाँ पे अगर इलेक्ट्रॉन्स को हमने शिफ्ट किया तो CH2, यहाँ पे डबल बॉन्ड फॉर्मेशन हुआ, सिंगल बॉन्ड CH3, लोन पेयर ने अटैक किया, देयरफॉर यहाँ विल बी पॉजिटिव चार्ज. नाउ दिस इज स्ट्रक्चर फर्स्ट, दिस इज स्ट्रक्चर सेकंड. तो आपको बताना है वेदर स्ट्रक्चर फर्स्ट इज मोर स्टेबल आर स्ट्रक्चर सेकंड. हम क्या करते हैं, लेविस ऑक्टेट रूल को फॉलो करेंगे. यहाँ पे अगर देखेंगे ये कार्बन, इस कार्बन पे दो हाइड्रोजन है और डबल बॉन्ड है ऑक्सीजन, सिंगल बॉन्ड है कार्बन, फिर तीन हाइड्रोजन है. तो इस कार्बन का लेविस ऑक्टेट रूल देखेंगे, दो इलेक्ट्रॉन्स, चार इलेक्ट्रॉन्स, छह इलेक्ट्रॉन्स, आठ इलेक्ट्रॉन्स, एक बॉन्ड में दो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, मीन्स आठ इलेक्ट्रॉन्स, मीन्स इट फॉलोज ऑक्टेट रूल. इस कार्बन की बात करते हैं, दो इलेक्ट्रॉन्स, चार इलेक्ट्रॉन्स, छह इलेक्ट्रॉन्स, आठ इलेक्ट्रॉन्स, मींस इट आल्सो फॉलोज ऑक्टेट रूल. अगर यहाँ पे बात करेंगे इस कार्बन की, तो यहाँ पे कार्बन के पास पॉजिटिव चार्ज ऑक्सीजन, कार्बन के पास तीन हाइड्रोजन है. नाउ सी यहाँ पे दो इलेक्ट्रॉन्स, चार इलेक्ट्रॉन्स, छह इलेक्ट्रॉन्स, मीन्स इट डज नॉट फॉलो ऑक्टेट रूल. यहाँ पे डेफिशिएंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है, देयरफॉर ये स्ट्रक्चर लेस स्टेबल होगी कंपेयर टू दिस स्ट्रक्चर, है ना. स्ट्रक्चर सेकंड इज मोर स्टेबल कंप्यूटर टू स्ट्रक्चर फर्स्ट. तो यहाँ पे हम क्या इंफॉर्मेशन गैदर कर सकते हैं, स्ट्रक्चर सेकंड इज मोर स्टेबल देन स्ट्रक्चर फर्स्ट, बिकॉज सेकंड में दोनों कार्बन एटम्स पे ऑक्टेट रूल, देयर इज ऑक्टेट रूल फॉलो होता है. यहाँ पे एक कार्बन एटम पे ऑक्टेट रूल फॉलो होता है और इस कार्बन पे ऑक्टेट रूल फॉलो नहीं होता है. नंबर थर्ड रूल, नंबर थर्ड, आई होप आपको ये रूल समझ में आया होगा. रूल नंबर थर्ड, रूल नंबर थर्ड क्या बताता है, वो स्ट्रक्चर जिनमें नेगेटिव चार्ज ऑन मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम होगी और पॉजिटिव चार्ज ऑन मोर इलेक्ट्रो पॉजिटिव एटम होगी आर मोर स्टेबल. विल डिस्कस इट. स्ट्रक्चर्स इन विच नेगेटिव चार्ज इज ऑन मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम and positive charge on more electropositive atom. Or more stable. मतलब क्या है इसका, हमें पता है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का मतलब है इलेक्ट्रॉन्स को एक्सेप्ट करना. उस एटम जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है वो इलेक्ट्रॉन्स को एक्सेप्ट करेगा, वो अपने आप पे इलेक्ट्रॉन्स की चार्ज को लव करेगा, वो विश करेगा कि उसको उसके ऊपर नेगेटिव चार्ज आएगी. दैट्स व्हाई इट विच नेगेटिव चार्ज इज ऑन मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम आर मोर स्टेबल. हमें पता है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी फ्रॉम लेफ्ट टू राइट इंक्रीज होती है, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन. फ्लोरीन की ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है कंप्यूटर ऑक्सीजन, उसकी ज्यादा है कंप्यूटर नाइट्रोजन, उसकी ज्यादा है कंप्यूटर कार्बन. अगर हमारे पास कोई कंपाउंड है जिसमें कार्बन भी होगा और ऑक्सीजन भी होगा, अगर ऑक्सीजन पे नेगेटिव चार्ज होगा वो मोर स्टेबल होगा कंप्यूटर, अगर कार्बन पे नेगेटिव चार्ज होगा, बिकॉज ऑक्सीजन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम, नेगेटिव चार्ज शुड बी ऑन मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम. फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे एक स्ट्रक्चर बनाएंगे, दिस कंपाउंड, दिस इज बेंजीन रिंग, इसके साथ ऑक्सीजन अटैच है. इस स्ट्रक्चर में ऑक्सीजन के ऊपर नेगेटिव चार्ज है, मींस नेगेटिव चार्ज इज ऑन मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम. अगर हम यहाँ पे डिलोकलाइजेशन करेंगे, और डिलोकलाइजेशन आई मीन कंजुगेशन करेंगे, इस पाई बॉन्ड चार नेगेटिव चार्ज को पाई बॉन्ड बनाएंगे, ये पाई बॉन्ड यहाँ शिफ्ट हुआ नेगेटिव चार्ज, डबल बॉन्ड डबल बॉन्ड. तो इन दो स्ट्रक्चर्स में आपको देखना है कौन ज्यादा स्टेबल है.
Now see, in this case, negative charge is on carbon. In this case, negative charge is on oxygen. Oxygen is more electronegative compared to carbon. Therefore, structure first is more stable compared to structure second. Got it? Now let us take one more example. C2 positive, single bond CH, double bond CH, single bond C, double bond O, single bond CH3. Now यहाँ पे इस स्ट्रक्चर में देखेंगे पॉजिटिव चार्ज इज ऑन कार्बन. दिस इज स्ट्रक्चर फर्स्ट. अगर हम यहाँ डिलोकलाइजेशन करेंगे तो क्या होगा? डिलोकलाइजेशन मतलब यहाँ पे नेगेटिव चार्ज इज ऑन कार्बन. दिस इज स्ट्रक्चर फर्स्ट. अगर हम डिलोकलाइजेशन करेंगे मीन्स नेगेटिव चार्ज को शिफ्ट करेंगे, यहाँ डबल बॉन्ड बनाएंगे तो इस डबल बॉन्ड को शिफ्ट करेंगे, इस डबल बॉन्ड को शिफ्ट करेंगे तो न्यू स्ट्रक्चर क्या बनेगी? CH2, दिस इज डबल बॉन्ड CH, दिस इज सिंगल बॉन्ड CH, दिस इज डबल बॉन्ड C, दिस इज O नेगेटिव, दिस इज CH3. अब आपको बताना है स्ट्रक्चर फर्स्ट और सेकंड में कौन ज्यादा स्टेबल है. यहाँ पे नेगेटिव चार्ज कार्बन पे है और यहाँ पे नेगेटिव चार्ज ऑक्सीजन पे है. दोस इन विच नेगेटिव चार्ज इज ऑन मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव आइटम. ऑक्सीजन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव आइटम कम्पेयर टू कार्बन. देयर फॉर स्ट्रक्चर सेकंड इज मोर स्टेबल देन स्ट्रक्चर फर्स्ट. नाउ रूल नंबर फोर्थ एंड लास्ट रूल, दैट इज चार्ज सेपरेशन रूल. रूल नंबर फोर्थ दैट इज चार्ज सेपरेशन रूल. चार्ज सेपरेशन, अगर आपके रेजोनेटिंग कंट्रीब्यूटिंग स्ट्रक्चर्स में चार्ज सेपरेशन है मीन्स पॉजिटिव चार्ज भी है नेगेटिव चार्ज भी है, तो जितना नजदीक पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज होगा उतनी ज्यादा स्टेबिलिटी, जितने दूर हो जाएंगे उतनी कम स्टेबिलिटी. जितनी नजदीक पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज होगी उतना ज्यादा स्टेबल. नजदीक पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज उतना ज्यादा स्टेबिलिटी, और जितना दूर ये चार्ज सेपरेशन होगा उतना कम स्टेबल बनते हैं. कंपाउंड्स उतने कम स्टेबल बनते हैं जितनी चार्ज सेपरेशन दूर होती है, और जितना चार्ज सेपरेशन नजदीक होता है उतना ज्यादा स्टेबिलिटी होती है कंपाउंड में. नाउ सी एग्जांपल लेंगे और इसको डिस्कस करेंगे. दिस इज ऑक्सीजन नेगेटिव चार्ज एंड वी हैव दिस स्ट्रक्चर. इसके हम रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स बनाएंगे, यहाँ पे शिफ्ट करेंगे इस बॉन्ड को, यहाँ पे नेगेटिव चार्ज. तो लेट अस डिस्कस दिस रूल. यहाँ पे डबल बॉन्ड, यहाँ पे नेगेटिव चार्ज, डबल बॉन्ड डबल बॉन्ड. इसके एक और रीजनल स्ट्रक्चर बनाएंगे, नेगेटिव चार्ज को यहाँ शिफ्ट करेंगे, डबल बॉन्ड को यहाँ शिफ्ट करेंगे. जितनी ज्यादा आप प्रैक्टिस करोगे उतना आपको ज्यादा ही आएगा, अदरवाइज आपको ये नहीं आएगा. इसकी यू नीड टू प्रैक्टाइज थिंग्स. इसको आपको ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस करना है ना. यहाँ पे इसको नेगेटिव चार्ज को इस बॉन्ड पे शिफ्ट करेंगे, इसको यहाँ से चार्ज को शिफ्ट करेंगे. तो यहाँ पे नेगेटिव चार्ज, डबल बॉन्ड डबल बॉन्ड, दिस इज डबल बॉन्ड ओ. एंड फाइनली इस नेगेटिव चार्ज को यहाँ शिफ्ट, डबल बॉन्ड को यहाँ शिफ्ट, वी गेट ओरिजिनल टाइप ऑफ स्ट्रक्चर बैक. ना दिस इज स्ट्रक्चर फर्स्ट, दिस इज स्ट्रक्चर सेकंड, दिस इज स्ट्रक्चर थर्ड, दिस इज स्ट्रक्चर फोर्थ, दिस इज स्ट्रक्चर फिफ्थ. तो आपको बताना है इनमें से सबसे ज्यादा स्टेबल कौन. आपको बताना है इनमें से सबसे ज्यादा स्टेबल कौन है. मैं यहाँ पे ऑक्सीजन OH लेता हूं, यहाँ पे मैं OH लेता हूं, तो देख चार्ज सेपरेशन कैन टेक प्लेस. ना ऑक्सीजन के पास लोन पेयर है, इनको यहाँ डिस्प्लेस किया, तो जब भी लोन पेयर बॉन्ड बनाता है यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज, यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज, सो दैट वी कैन डिफरेंशिएट बिटवीन चार्ज सेपरेशन. यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज और यहाँ पे OH. नाउ सी व्हाट हैपेंस इन दिस केस. ये स्ट्रक्चर जो है ये न्यूट्रल है, और ये स्ट्रक्चर जो है ये न्यूट्रल है. हमने पहले वाले रूल में पढ़ा जो न्यूट्रल स्ट्रक्चर्स होती है वो ज्यादा स्टेबल होती है. तो स्ट्रक्चर फर्स्ट एंड स्ट्रक्चर फिफ्थ दे आर मोर स्टेबल. स्ट्रक्चर फर्स्ट एंड स्ट्रक्चर फिफ्थ, तो फर्स्ट एंड फिफ्थ दे आर मोर स्टेबल, और इनकी स्टेबिलिटी इक्वल है. वाई? बिकॉज इनमें नंबर ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड्स भी बराबर है, इनमें कोई चार्ज सेपरेशन नहीं है. नंबर ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड्स भी बराबर है, कोई चार्ज सेपरेशन नहीं है, और इनमें लुईस ऑक्टेट रूल भी बराबर फॉलो होता है. दैट्स वाई स्ट्रक्चर फर्स्ट एंड स्ट्रक्चर फिफ्थ दे आर हैविंग इक्वल स्टेबिलिटी एंड मोर देन स्ट्रक्चर सेकंड थर्ड एंड फोर्थ.
आउट ऑफ स्ट्रक्चर सेकंड थर्ड एंड फोर्थ, यहाँ पे देखो चार ही सेपरेशन। अगर हम यहाँ से नंबरिंग करेंगे, दिस इज नंबर वन, दिस इज नंबर टू, दिस इज नंबर थ्री, फोर, फाइव, सिक्स, सेवन, यहाँ पे बिटवीन कार्बन वन और कार्बन तीन, कार्बन फर्स्ट एंड कार्बन थ्री, इन्हीं पे चार ही है। यहाँ पे अगर देखेंगे वन टू थ्री फोर फाइव, चार ही जिसन बिटवीन कार्बन वन, बिटवीन एटम वन, ऑन एटम वन एंड एटम फाइव, एक चार्ज एटम वन पे है, दूसरी चार्ज एटम फाइव पे है। यहाँ पे एक चार्ज एटम वन पे है और दूसरी चार्ज एटम थ्री पे है, तो यहाँ पे डिस्टेंस ऑफ चार्ज सेपरेशन जो है वो कम है और यहाँ पे डिस्टेंस ऑफ चार्ज सेपरेशन जो है वो ज्यादा है। जितना कम डिस्टेंस चार्ज सेपरेशन का होगा उतना ज्यादा स्टेबिलिटी होगा, दिस इज द रूल। तो यहाँ पे अगर इसको इससे कंपेयर करेंगे तो यहाँ पे डिस्टेंस कम है चार्जेस का, पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्ज आर नियर टू ईच अदर, पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्ज आर नियर टू ईच अदर, वन टू थ्री। इनफैक्ट यहाँ पे एटम वन और एटम थ्री, एटम वन और एटम थ्री, तो जो सेकंड है और फोर्थ है इसकी स्टेबिलिटी बराबर होगी, बिकॉज दोनों में चार्ज सेपरेशन एट इक्वल डिस्टेंस है, मतलब इनमें चार्जेस नजदीक नजदीक है, जहां चार्जेस दूर होंगे वहां पे कम स्टेबिलिटी होगी। तो यहाँ पे देखेंगे स्ट्रक्चर फिफ्थ थर्ड इज लीस्ट स्टेबल, यहाँ पे स्ट्रक्चर थर्ड इज लीस्ट स्टेबल। आई होप ये आपको समझ में आया होगा। दीज आर सर्टन रूल्स बाय विच वी डिस्कस इट विच रेजोनेंस कंट्रीब्यूटिंग स्ट्रक्चर विल बी मोर स्टेबल। इन द नेक्स्ट लेक्चर वी विल डिस्कस एग्जाम्पल्स ऑफ दिस, हम इसी पे एग्जाम्पल्स क्वेश्चन 8-10 क्वेश्चन करेंगे जो भी पूछे गए हैं अब तक, उनमें हम देखेंगे आखिर कौन सी ऐसी स्ट्रक्चर है आउट ऑफ गिवन ऑप्शंस जो मोर स्टेबल होगी, सो दैट जो भी हमने रूल्स पढ़े इनको हम रिवाइज करेंगे उन्हीं एग्जाम्पल्स के बेसिस पे। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस लेक्चर।